डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आजकल लोगों में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर घर में आपको ऐसे इंसान मिल जाएंगे जिनका शुगर लेवल एबनॉर्मल है और वो काफ़ी समय से डायबिटीज़ की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायबिटीज़ होने के कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जिसमें खाने पीने की बुरी आदतें, स्ट्रेस और टेंशन, वजन का बढ़ना और एक्सरसाइज की कमी शामिल है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप आपका डाइट प्लान होता है। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिनमें फाइबर अच्छी मात्रा में हो, जैसे दाल और नट्स। आप अपने खाने में ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, जैसे पालक, मेथी, लौकी, करेला, गोभी और बैंगन। आपको डेली फ्रूट्स खाने चाहिए। आप इसका जूस भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम अमाउंट में करें। आपको अपने खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। चिकन, मछली, दही, पनीर और सोयाबीन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपको अपने खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्हाइट ब्रेड, मैदा से बनी चीज़ें, आलू और चावल जैसी चीज़ें आपके ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाती हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट से बनी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा कैलोरीज और एडिड शुगर होता है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मुश्किल पैदा करता है। बेकरी आइटम्स, फ्राइड फूड को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। आप चीनी से बनी मिठाइयाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम और इसके अलावा सिगरेट, अल्कोहल को भी अवॉइड करें। इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल कर सकती हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सरसाइज होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद मिलती है। आप कोई भी एक्सरसाइज चुन सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आसानी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है, इससे आप एक्टिव रहते हैं और दिन भर में ग्लूकोज लेवल को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए तीसरा ज़रूरी स्टेप है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर या डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़ी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।